सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की, साथ ही ये भी कहा कि हड़ताल पर गए डॉक्टरों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या से संबंधित मामलों की सुनवाई फिर से शुरू की। केंद्रीय जांच ब्यूरो को आज मामले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की और बंगाल पुलिस के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष की भूमिका की भी आलोचना की। पीठ ने घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि हत्या को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बीते मंगलवार को 10 सदस्य एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ अपने आदेश सुनाते हुए कहा, ये टास्क फोर्स चिकित्सा से संबंधित पेशावरों की सुरक्षा के लिए और अन्य संबंधित मामलों पर गौर करेगी। जल्द अदालत की निगरानी वाला ये टास्क फोर्स चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल तैयार कर देगा। इस टास्क फोर्स देश के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सकों के अलावा सरकार के कई प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी पदेन सदस्य हैं। NTF के सदस्यों में सर्जन YF एडमिरल R सीरन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर M श्रीवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, डॉक्टर सौमित्र राघव, प्रोफेसर अनीता सक्सेना प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट है एम्स दिल्ली की, तो वहीं प्रोफेसर पल्लवी स्प्रेस डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉक्टर पद्मश्रीवास्तव न्यूरोलॉजी विभाग एम्स राष्ट्रीय शामिल होंगे। साथ ही भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष इसके पेदन सदस्य होंगे। शीर्ष अदालत में कोलकाता में हुई इस भयावह घटना के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार से अलग अलग जाँच प्रगति विवरण 22 अगस्त तक पेश करने को मंगलवार को निर्देश दिए। पीठ ने मामले की जाँच कर CBI की जांच की प्रगति विवरण 22 अगस्त 2024 अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया।